जीआरपी थाना अंबाला में सोमवार सुबह किसी अज्ञात महिला ने लैंडलाइन नंबर पर फोन करके बताया कि कुछ सामाजिक तत्व रेलवे ट्रैक को उड़ा सकते हैं, मगर वह ये नहीं जानती थी कि कहां और किस जगह रेलवे ट्रैक को उड़ाया जाएगा। इसके बाद जीआरपी में हड़कंप मच गया और इसके फोन की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी गई। फोन करने वाली महिला ने अपना नाम, पहचान और पता नहीं बताया। दोबारा उस नंबर पर फोन करने के बाद पता चला कि ये नंबर मौजूद ही नहीं है। जीआरपी के डीएसपी धीरज कुमार ने बताया कि किसी महिला का फोन आया था। वो बता रही थी कि उसे कहीं से पता चला है कि रेलवे ट्रैक को उड़ाया जाएगा। कहां का रेलवे ट्रैक उड़ाया जाएगा, इसका उसने जिक्र ही नहीं किया। डीएसपी रेलवे के मुताबिक ये मामला साइबर क्राइम को दिया गया है, क्योंकि ये कॉल सॉफ्टवेयर से लिंक लगती है। फिलहाल जीआरपी ने अज्ञात महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर टीम गठित की है, जो इस अज्ञात कॉल का पता लगाएगी। देखिए आज प्रकाश टीवी के लिए अंबाला से लोकेश दत्त मेहता की यह रिपोर्ट। किसी अज्ञात लेडी का फोन आया था, इसको अंबाला थाने के मुंशी ने रिसीव किया था। वो यही बता रही थी कि उसको कहीं से पता चला है कि रेलवे ट्रैक को उड़ाया जाएगा। कहाँ का रेलवे ट्रैक उड़ाया जाएगा, इस बारे में उसने कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया था किसी भी तरह का। तो इस संबंध में थाने में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, जिसकी तफ्तीश जारी है। नहीं लग रहे हैं उसको, साइबर सेल लगी हुई है। एस एफ साहब अपने निगरानी में ये सारी तफ्तीश करवा रहे हैं मेरी सुपरविजन में, तो जल्दी पता चलेगा। अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक तफ्तीश पूरी ना हो जाए। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।